हाँ स्क्रीन शेयर किया मैंने, दिख रहा है आपको स्क्रीन? चलिए मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रिंग के बारे में। तो देखिए स्ट्रिंग जब आप पढ़ लेते हो, स्ट्रिंग हैंडलिंग के जस्ट बात का जो टॉपिक है वो आपका एक्सेप्शन है। देखिए अभी तो आप क्या है ना कि आपने जावा में बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिया आपने। एक मिनट रुकिए ज़रा। हेलो, हाँ, तो जब आपने जावा में क्या नाम है ऊप्स ख़त्म कर लिया है ना, यानी कि आपको क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, ये म्यूट कर दो कुलदीप, ठीक है। तो जब हम लोगों ने क्या नाम है बेसिक टॉपिक जावा के सारे पढ़ लिए, क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म, तो अब जावा के किसी भी टॉपिक को इंडिपेंडेंटली आप पढ़ सकते हो। जैसे आप कभी स्ट्रिंग पढ़ लो, कभी थ्रेड पढ़ लो, कलेक्शन पढ़ लो, सर्वलेट पढ़ लो, है ना, हर जितने भी टॉपिक्स हैं इंडिपेंडेंट हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, थ्रेड एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, कलेक्शन एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो कोई भी टॉपिक आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं और अभी मैं आपको इसके बाद टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिस तरह से स्ट्रिंग हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट काम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और इंटरव्यू के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंटरव्यू में आप जाओगे तो ये मान के चल लो कि आपसे स्ट्रिंग से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 110% कि स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखाओ, स्ट्रिंग को रोटेट करके दिखाओ, स्ट्रिंग के अंदर से ये करेक्टर निकाल के दिखाओ, ये डुप्लीकेट करेक्टर फाइंड करो, यहाँ से इसको ऐसे करो। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए स्ट्रिंग से रिलेटेड। आपको कुछ असाइनमेंट अगर नहीं भी मिले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको ट्राई ज़रूर करिए, है ना, कि हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर से जो डुप्लीकेट करेक्टर्स हैं उनको निकालिए, रिवर्स करिए, रोटेट करिए, स्ट्रिंग के अंदर से वॉवल काउंट करिए, स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम चेक करिए कि कोई पैलिंड्रोम है या नहीं है, है ना। तो कुछ पैटर्न का भी कंसेप्ट आ जाता है कि स्ट्रिंग के थ्रू स्टैक के पैटर्न्स आप प्रिंट करा के दिखाइए, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप प्रैक्टिस करिएगा, राइट। अगर आपने ये सारा चीज़ कर लिया है तो उसके जस्ट बाद हम जो ये टॉपिक पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है अगेन, क्योंकि प्रोग्रामिंग में क्या होता है गलतियाँ हम बहुत सारे करते हैं और उन्हीं गलतियों को हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में हैंडल करना सीखेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है, इसका पूरा थियोरेटिकल चीज़ बताने से पहले मैं बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, इससे आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थियोरेटिकली बाद में समझाता हूँ, पहले प्रैक्टिकल समझाता हूँ इसको। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लूँगा, एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊँगा, ठीक है, जिससे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हमने जो टेस्ट डॉट जावा करके क्लास बनाई थी वही सेम जावा क्लास यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, राइट। तो दोबारा हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये हमारी जावा क्लास है। अच्छा, ये नोटपैड प्लस प्लस में हम ओपन नहीं करेंगे, नोटपैड में ओपन करेंगे ताकि थोड़ा सा ये विजुअलाइज बेटर तरीके से हो जाए, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए हमारे पास इस पर्टिकुलर पैकेज की ज़रूरत, चलिए हो सकता हो हम कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेके हम ज़रा एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए हम स्कैनर का यूज करेंगे, स्कैनर एसिज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, राइट। और यहाँ से हम सिस्टम डॉट इन करके हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। ये जो हमने स्कैनर से यूज़र से इनपुट लिया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी तो हमने सिस्टम डॉट इन ही लिखा है, पहला नंबर एंटर करा लेते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, यूज़र हमारा पहला नंबर एंटर करेगा यहाँ से और उसको हम रीड कर लेंगे, देन
हमारे पास मेथड होता है नेक्स्ट इंट, अगर हमें डेटा इंट में रीड कराना है तो उसको हम इंट में ही होल्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा नंबर भी इसी तरह से एंटर करा लेंगे, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, और इसको हम एक दूसरे वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे। देन इन दोनों का जो रिजल्ट है वो हमें एक तीसरे वेरिएबल में कहीं दिखाना है, तो जेड इज इक्वल टू आई प्लस जे करके हम इसका सम कर लेंगे एंड देन इसका रिजल्ट यहाँ पे हम व्यू करा लेते हैं। और ये हो गया हमारा जेड, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया पहला नंबर और दूसरा नंबर, उस दोनों नंबर को हमने यूज़र से इनपुट ले लिया एंड देन उसका हमने सम कर दिया। देन उसका हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, यहाँ पे ऐड भी कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड इज इक्वल्स टू और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू करके ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है ये, ऐड हो गया और सब्ट्रैक्ट हो गया। देन सिमिलरली हम यहाँ पे डिवीज़न करेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, तो हम डिवीज़न कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डिवीज़न इज इक्वल्स टू जेड टू, राइट, एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, राइट। जेड थ्री वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, एंड देन लास्ट में एक स्टेटमेंट और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे, नॉर्मल फ्लो जो है प्रोग्राम का वहाँ पे प्रिंट हो जाए, नॉर्मल फ्लो, राइट। इस तरह से हमने यहाँ प्रिंट कर लिया। अब देखिए होगा क्या कि जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, यहाँ से हम रन करते हैं, सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे जावा सी से, टेस्ट डॉट जावा, ये प्रोग्राम हो गया कंपाइल, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर है, एनम एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्स्ट्रा ये पैरेंथेसिस हमारा लग गया था, इसे बंद कर लेते हैं। देखिए जब इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो ये हमसे पहला नंबर मांगेगा, हमने दे दिया पहला नंबर 10, दूसरा नंबर हमने दे दिया 2, तो आप 10 का 2 में एडिशन करोगे तो 12 आएगा, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जितने भी चीज़ें हैं परफेक्टली चल रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हो आप लोग, सब बढ़िया चल रहा है, हाँ जी, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है ना, बेटर चल रहा है, ठीक है ठीक है। तो बिल्कुल ये इस टाइप का प्रोग्राम तो आप बना सकते हैं स्कैनर के थ्रू। मान लीजिए आपको ऐसा, आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मिलता है और आपने ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें यूजर से इनपुट लेके आप ऐसे दो नंबर का सम का प्रोग्राम बना के दे रहे हो किसी को, ये सेम प्रोग्राम आप किसी क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हो। सपोज करो ये कोई सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर आप किसी क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हो, ऐसा ही सॉफ्टवेयर हो सकता है जहाँ पे आप फर्स्ट नंबर ले रहे हो, सेकंड नंबर ले रहे हो, वहाँ पे फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकती है, फिर उस पर डेटाबेस कनेक्शन हो सकता है, फर्दर कुछ भी हो सकता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर आप बना के क्लाइंट को दे रहे हो और आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो कि भाई क्लाइंट जो है, यूज़र जो है, उसमें कुछ ऐसा भी कर सकता है कि जो हमारे मतलब एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे हो, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने ये नहीं सोचा कि यूज़र पहला नंबर और दूसरा नंबर बिल्कुल सही दे के इनपुट, रॉन्ग राइट इनपुट दे के तो उसने काम कर लिया, बट अगर कोई रॉन्ग इनपुट देता है तो क्या होगा, मतलब पहला नंबर तो उसने 10 दे दिया और दूसरा नंबर दे दिया 0, अब 10 को 0 से एडिशन करोगे सब्ट्रैक्शन करोगे तो बेटर है, मल्टीप्लिकेशन भी सही है, लेकिन डिवीज़न करोगे तो वो मैथमेटिकली सही नहीं है, वीक अनडिफाइंड चीज़ हो गया, एक कह सकते हो एक्सेप्शनल चीज़ हो गया। अब इस चीज़ के आने से होगा क्या कि प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम आ गई, एक्सेप्शन आ गया, राइट। आप देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, हुआ क्या, एडिशन तो चलो ठीक है, यहाँ पे देखो एडिशन तो हमारा 10 आ गया, सब्ट्रैक्शन में हमारा 10 आ गया, बट डिवीज़न में ही प्रॉब्लम आ गई। ये एक छोटा सा एग्जांपल है जस्ट कि अगर हमारे किसी प्रोग्राम में 100 लाइन लिखी गई है और उस पर्टिकुलर 100 लाइन में किसी 10वें लाइन में प्रॉब्लम आ गई, तो 10वें लाइन में जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ गई या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ गई, रन टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ गई जो कंपाइल टाइम पे हमें पता नहीं चल पा रही है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की आने से जो रेस्ट ऑफ कोड है
वो हमारा नहीं चल पा रहा है। अब रेस्ट ऑफ कोड देखो, इनके जो नॉर्मल फ्लो है वो तो नहीं चल रहा। अच्छा एक्सेप्शन कहाँ पे आई, यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे आई, देखिए इस जगह पे, इस जगह पे एक्सेप्शन आने से रेस्ट ऑफ कोड हमारा नहीं चल पा रहा है। 15वें लाइन पे एक्सेप्शन आ गई, रेस्ट ऑफ कोड नहीं चल रहा है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है तो ठीक है, वो प्रॉब्लम दिखा के रेस्ट ऑफ कोड तो चलना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या नॉर्मल फ्लो जो लिखा हुआ है ये तो चलना चाहिए ना, ये नहीं चल पा रहा है। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? ये एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास कोई कोड लिखा गया है जिसमें हम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे हमने एडिशन किया सब्ट्रैक्शन किया, बट जब डिवीजन किया तो वहां पे प्रॉब्लम आ गई। अब यहां पे जो डिवीजन में प्रॉब्लम आई, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जो रेस्ट ऑफ कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, रेस्ट ऑफ कोड यहां पे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें भाई, गलती तो हमारी लाइन की थी नहीं। तो लैंग्वेज कहता है कि भाई अगर इस तरह का कोई समस्या है, इस टाइप की कोई भी परेशानी है जहाँ पे ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन से प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, इसको हैंडल करो। हमने कहा कि हम हैंडल नहीं करेंगे, तो कहता हैंडल नहीं करोगे तो फिर देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि 15वें लाइन पे प्रॉब्लम है तो बाकी लाइन बेकार हो गई। ऐसा हो सकता है, ये छोटा सा एग्जांपल है, ऐसा किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। आप कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हो किसी क्लाइंट को जिसमें हज़ारों लाइन लिखी गई है, जिसमें मान लो पहली लाइन पे प्रॉब्लम आ गई तो बाकी तो 1000 लाइन के नीचे जितने भी 999 हमारा 9999 जितने भी लाइन है वो सब तो बेकार हो गए ना। तो भाई क्या करा जाए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बचने के लिए लैंग्वेज कहता है कि आप एक काम करो, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी आई है उस प्रॉब्लम को हैंडल कर लो। अगर हैंडल कर लोगे तो जो रेस्ट ऑफ कोड है वो आपका एग्जीक्यूट हो पाएगा, और उसी हैंडलिंग के लिए है ना जो कंसेप्ट दिया गया जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये जो सिचुएशन रेज हुआ ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। एक्सेप्शन सिचुएशन ये जो मैंने अभी आपके सामने ला के दिखाया ये एक्सेप्शनल है कि फर्स्ट नंबर कोई नंबर वैल्यू दिया, सेकंड नंबर वो जीरो दे रहा है, ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है जो नॉर्मली नहीं हो सकता, नॉर्मली कोई बंदा नहीं करेगा। लेकिन किसी ने कर दिया, तो हमने एरे की साइज दिया था 10, हमने एरे की साइज दिया था 100 है ना, और 100 जो साइज दिया था उसके बियॉन्ड हमारे पास डेटा आ गया, तो फिर ये तो एक्सेप्शनल कंडीशन है ना। हमने एक रेफरेंस वेरिएबल लेकर रखा था, सोचा था कि इसमें ऑब्जेक्ट रन टाइम पे आएगा, उस ऑब्जेक्ट पे फर्दर एक्शन होगा, लेकिन उसमें रन टाइम पे ऑब्जेक्ट आया ही नहीं किसी प्रॉब्लम से, नेटवर्क फेलियर हो गया, डेटाबेस कनेक्शन लूज हो गया, कुछ भी एक्सेप्शन आ गई, कुछ भी किसी भी टाइप का इशू आ गया जिससे उस रेफरेंस में ऑब्जेक्ट पहुँचा ही नहीं, तो उसमें क्या आ गया, नल। अगर नल आ गया तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर रेफरेंस पे हम फर्दर कुछ एक्शन कर नहीं सकते, वो एक इशू है, वो एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। ऐसा किसी भी एक्सेप्शनल कंडीशन में, मतलब एक्सेप्शनल कंडीशन किसी भी टाइप का हो सकता है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये भी एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। किसी भी एक्सेप्शनल कंडीशन के आने से अगर आपके प्रोग्राम का जो रेस्ट ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगाया गया है। अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को, तो एक्सेप्शन पहले बोलेंगे कैसे, पहले समझिए एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल सिचुएशन विच ऑकर्स इन अ प्रोग्राम एट रन टाइम। एक ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन है जो प्रोग्राम में रन टाइम पे आता है, ड्यू टू दिस आवर प्रोग्राम इज फोर्सफुल्ली टर्मिनेटेड एंड रेस्ट ऑफ कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक्सेप्शन एक ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन है जो प्रोग्राम में रन टाइम पे आता है, जिसके आने से रन टाइम पे प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है और रेस्ट ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है ना। जैसे यहाँ पे Z2 यानी कि 15वें पोजीशन में प्रॉब्लम आई, जिस प्रॉब्लम के आने से रेस्ट ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, दैट इज एक्सेप्शन। इन एक्सेप्शन हैंडलिंग वी लर्न how to handle this abnormal situation so that the rest of code can be executed. समझ में आ रहा है, ये exception handling. Exception handling में हम यही सीखेंगे कि हम इसमें ऐसा क्या logic लिख दें
कि अगर यहाँ पे कभी कोई गलती हो भी, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आए है ना, तो उसको हैंडल कर लिया जाए, सो दैट द रेस्ट ऑफ कोड है वो चल पाए हमारा, है ना। यानी कि 15वीं लाइन पे एक्सेप्शन है तो ठीक है, डिवीजन में प्रॉब्लम है तो ठीक है, वो तो एक्सेप्शन आ ही जाए, साथ में जो मल्टीप्लीकेशन या कुछ और है जो पॉसिबल है ऑपरेशंस, है ना। अगर हमारे पास 10,000 लाइन के कोड थे, उसमें पहली लाइन पे प्रॉब्लम आ गई, तो नेक्स्ट जो जितने भी है 9,900 लाइन है हमारे, वो बहुत अच्छे से चल पाए, उनका एग्जीक्यूशन हो पाए, ये होती है हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन हैंडल द एबनॉर्मल सिचुएशन सो दैट वी कैन मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ताकि हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो जो है ना वो मेंटेन हो पाए। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए जावा के अंदर 5 कीवर्ड्स दिए गए हैं, 4-5 कीवर्ड्स दिए गए हैं, इनका यूज करके हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। जिन कीवर्ड्स का नाम है हमारा ट्राई, कैच, ठीक है ना, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस, ये हमारे 5 कीवर्ड हैं। दीज आर द 5 कीवर्ड्स बाय विच वी आर हैंडलिंग द एक्सेप्शन इन जावा। और व्हाट इज एक्सेप्शन, अगेन मैं आपको बताता हूं, एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल सिचुएशन विच ऑकर्स इन अ प्रोग्राम एट रन टाइम, ड्यू टू दिस आवर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी इंटरप्टेड या टर्मिनेटेड एंड द रेस्ट ऑफ कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेड। इन एक्सेप्शन हैंडलिंग वी लर्न हाउ टू हैंडल दिस एबनॉर्मल सिचुएशन सो दैट द रेस्ट ऑफ कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। एंड इन जावा इन ऑर्डर टू हैंडल द एक्सेप्शन वी हैविंग दीज 5 कीवर्ड्स, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस। जिसमें से ट्राई, कैच, फाइनली को हम ब्लॉक भी बोलते हैं, दे आर द ब्लॉक ना, क्योंकि ये एक ब्लॉक बनाते हैं मेमोरी के अंदर, है ना। और ये थ्रो एंड थ्रोज को हम एक क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। 5 कीवर्ड हैं, लेकिन तीनों को, ऊपर के 3 को हम ब्लॉक भी बोलते हैं, और इन दोनों को हम क्लॉज बोलते हैं, क्लॉज की तरह बिहेव करते हैं इंग्लिश के अंदर, जो हमारे क्लॉज होते हैं, राइट। तो ये हमारे पास 5 कीवर्ड है। तो अब यहाँ पे जब आप एक्सेप्शन की बात करते हो, तो एक्सेप्शन से रिलेटेड एक और टर्मोलॉजी आ जाता है, जिसको हम एरर बोलते हैं। अब कई बार आप इंटरव्यू में जाते हो, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ एक्सेप्शन और एरर में क्या डिफरेंस होता है ना। तो एक्सेप्शन की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें, तो एक्सेप्शन की हिंदी मीनिंग होती है अपवाद, है ना। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, और एरर का मतलब होता है गलती। अब अगर रियल वर्ल्ड में हम देखें, तो गलती और अपवाद दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे भी ये अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। और इन दोनों के डिफरेंस को अगर आप समझना चाहते हो, तो बिल्कुल कोई एक रियल वर्ड का एग्जाम्पल ले लो, जिसके थ्रू आप समझ जाओ इसे। और उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेने के लिए मान लो कि मैं अब सुबह सुबह बिल्कुल अपने घर से निकलता हूँ, और यहाँ से अपना जो भी हमारे पास साधन है, हमारे पास मान लो कि मेरा बाइक है, और मैं बाइक यहाँ से उठाता हूँ, और मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे जाना है मान लो आगरा, ठीक है ना। हमने आगरा के लिए एक्सप्रेसवे यहाँ से पकड़ा, सर्दियों का महीना था, बिल्कुल मैं यहाँ से एक्सप्रेसवे से थ्रू है ना अपनी बाइक से जा रहा था, ठीक है ना। तो अगर मैं एक मतलब ऐसे रियल वर्ल्ड की बात करूँ, तो रियल वर्ल्ड में इसको हम क्या बोलेंगे, एक प्रोग्राम बोलेंगे, है ना, कि भाई हमारा एक प्रोग्राम है कहाँ जाने का, आगरा जाने का, और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग निकलता हूँ, अपना बाइक उठाता हूँ और निकल के चला जाता हूँ, राइट। अब मैं निकल के जा रहा हूँ एक्सप्रेस वे पे, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। अब एक्सप्रेस वे है भाई, गाड़ी मतलब वहाँ पे बहुत सुनसान है, मतलब खाली रहता है, तो आप वहाँ पे बाइक को थोड़ा स्पीड में भी ले जा सकते हो, 100 जा सकते हो, 110 जा सकते हो, राइट। मतलब हमारा प्रोग्राम का वहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन। तो आप इमेजिन करो कि आप, आपको कोई टास्क दिया गया, और उस पर्टिकुलर टास्क को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब व्हेन अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन नाउ इट बिकम अ प्रोसेस, प्रोसेस चल रहा है, राइट, गाड़ी चल रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। अब प्रोसेसिंग हो रही है और प्रोग्राम चल रहा है, और अचानक कोई एबनॉर्मल सिचुएशन वहाँ पे रेज हो जाता है, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग जा रहा हूँ, थोड़ा सा मान लो कोहरा है और मुझे दिखता नहीं है, अचानक रास्ते में मतलब वैसे तो हाईवे पे कुछ चीज़ मिलता नहीं है, बट मान लो कुछ भी कोई भी मतलब कोई जानवर वहाँ पे आ गया, राइट, एक एबनॉर्मल सिचुएशन ही तो है। अब उस पर्टिकुलर एबनॉर्मल सिचुएशन को अगर समहाउ आपने क्या कर लिया, हैंडल,
किसी भी तरह की, जैसे कि मतलब कोई भी आपने, मैंने मतलब मैंने क्या कर लिया कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंने बहुत, अब जो भी हमारे गाड़ी में डिस्क ब्रेक था वो भी लगा दिया और किसी तरह से मोड़ मार के मैंने निकाल लिया, राइट। तो उसको मैं बोलूँगा कि मैं इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, वो रन टाइम का एक एबनॉर्मल सिचुएशन था जिसको मैंने हैंडल कर लिया, है ना। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि आप रियल वर्ल्ड में इसको बोल सकते हो, है ना। कोई भी मतलब एक्सेप्शनल चीज आती है और उसको आप हैंडल करके लेके चले जाते हो। प्रोग्रामिंग में भी ऐसे होता है कि आपका प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम आप चलाते हो और आपका प्रोग्राम वो रन टाइम पे किसी तरह से उसको मैनेज कर लेता है, हैंडल कर लेता है, तो ऐसा एक्सेप्शन हैंडलिंग बोला जा सकता है। लेकिन अगर समहाउ आपका प्रोग्राम ब्रेक हो गया, वही स्टॉप हो गया, तो उसको हम नहीं बोलेंगे कि यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई। अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड में भी ऐसा हो सकता है कि मान लो कि भाई मैं वहाँ पे क्या होता है, किसी समहाउ वहाँ पे मैं पर्टिकुलर जानवर से टकरा जाता हूँ, वहाँ पे गिर जाता हूँ, है ना। अब 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, वहाँ पे कोई हमें बचाने के लिए नहीं आता है। फिर थोड़ा सा उजाला होता है तो लोग देखते हैं, अगल बगल के लोग इकट्ठा होते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, लोग पूछते हैं और इवन ये भी पूछते हैं कि क्या गलती थी, किसकी गलती थी। वहाँ पे बात आती है गलती की। तो गलती मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि गलती का मतलब ये हो गया कि गलती की बात तब आती है कि जब कोई चीज़ रन टाइम पे हैंडल नहीं हो पा रही है। मतलब एरर का मतलब यहाँ पे आप गलती समझ लो, और उस केस में आप ऐसे समझ लो कि हैंडलिंग नहीं हो रही है, है ना। अब हैंडलिंग नहीं हो रही है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे प्रोग्राम में हमारी मेमोरी, है ना, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी मान लो 4 GB रैम है ना, और 4 GB रैम से भी ज़्यादा हम डेटा दे रहे हैं, तो क्या उस पर्टिकुलर डेटा को हैंडल कर पाएगा हमारा कंप्यूटर? एक लेवल पे कर लेगा, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएगा, है ना। तो जहाँ पे चीज़ों के हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है, वही है गलती, वही एरर। आप ऐसे बोल सकते हो, एरर कैन नॉट बी हैंडल बट एक्सेप्शन कैन बी हैंडल। देखिए मैं आपको रियल वर्ल्ड में समझाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ, प्रोग्रामिंग में समझाता हूँ। पहले एरर 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर, एक होता है रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। जैसे प्रोग्राम में आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सेमी कॉलन छोड़ दिया, ये सिंटैक्स एरर है, ये सिंटैक्स एरर है, और आपका कंपाइलर इसे कंपाइल टाइम बता देगा कि ये एरर है भैया, यहाँ पे इसे सही करो, देखो एक्सपेक्टेड एरर लिखा आ गया। एरर सिंटैक्स एरर हैंडल करा जा सकता है, वो कंपाइलर कर लेता है कंपाइल टाइम पे, ठीक है। लॉजिकल एरर मतलब आपने लॉजिक में गलती कर दी, या प्लस लिखना था माइनस लिख दिया, माइनस की जगह प्लस लिख दिया, कुछ भी कर दिया, दैट इज लॉजिकल एरर। और लॉजिकल एरर भी जो होते हैं वो भी हैंडल करे जा सकते हैं, वो भी कंपाइल टाइम पे हैंडल जाती है, सम टाइम नहीं भी होती हैंडल, तो रन टाइम पे लॉजिक में कोई दिक्कत है पता चल जाता है। बट जो रन टाइम के एरर्स होते हैं, रन टाइम के एरर्स होते हैं ना, रन टाइम के एरर यही तो है, दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। आपने प्रोग्राम को चलाया और रन टाइम पे एरर आ गई, ये रन टाइम पे एरर आ गई, यही एक तरह से रन टाइम पे एरर है। बट रन टाइम का एरर जो होता है ना, वो अगर हैंडल हो गया, ध्यान से समझिएगा, रन टाइम का एरर अगर हैंडल हो गया तो भैया आप बोलोगे एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई। क्योंकि अगर वो रन टाइम का एरर हम हैंडल कर पा रहे हैं समहाउ, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो एबनॉर्मली आई है और उसको हैंडल करने का तरीका जावा के अंदर दिया गया है। बट अगर वही रन टाइम का एरर कभी हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे ना, तो वो एरर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे स्टैक ओवरफ्लो एरर, जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर, जैसे थ्रेड डेड एरर, जैसे वर्चुअल मशीन एरर। ये जो एरर हैं, ये सब एरर्स हैंडल नहीं करे जा सकते, एरर कैन नॉट बी हैंडल बट एक्सेप्शन कैन बी हैंडल, यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब जो मैं रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल आपको लेके जा रहा था कि गाड़ी चल रही थी और हमने बचा के निकाल के आगे लेके चले गए, किसी भी स्थिति परिस्थिति में अगर अगर कोई ऑब्स्टेकल भी हमारा आया था उसको भी हम निकाल के चले गए, वो एक्सेप्शन थी जो हमने रन टाइम पे हैंडल कर लिया था, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। बट जो वहाँ पे हम उसी से टकरा जाते, उस ऑब्स्टेकल से टकरा गए और वहीं पे गिर गए, तो फिर हम आगे तो जा नहीं पा रहे ना, वो तो हमने हैंडल किया नहीं ना, दैट इज एरर। एरर वाले सिचुएशन में हैंडलिंग पॉसिबल नहीं होती है। अब थ्रेड डेड हो चुका है तो उसको हम कहाँ से फिर से जिंदा कर सकते हैं? एक थ्रेड स्टॉप हो गई तो फिर से उसे रीस्टार्ट तो कर नहीं सकते, है ना। मेमोरी फुल हो चुकी है ना, तो अब उस पर्टिकुलर मेमोरी को हम फ्री कैसे करें? हम फ्री का भी हमने मैकेनिज्म लगा दिया, फ्री होने के बाद भी अब स्पेस ही नहीं है, तो फिर कैसे हम काम कर पाएंगे, राइट। तो जावा ने, पता है,
जावा की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, पहले ये तो सब रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, कोडिंग से समझ में आ गया। अगर जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, चाहे आप आने वाले टाइम पे किसी भी टॉपिक की बात करेंगे, अभी स्ट्रिंग आपने पढ़ा, अभी आपने एरे पढ़ा, अब आप आगे थ्रेड कलेक्शन सर्वलेट कुछ भी पढ़ोगे, आने वाले टॉपिक जितने भी हैं जावा में, सब सारे टॉपिक ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराए गए हैं। तो जावा में चाहे वो एक्सेप्शन हो चाहे वो एरर हो, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ क्या है, एक ऑब्जेक्ट, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ। आप बोल सकते हो कि एक्सेप्शन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, एरर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट उसी की होती है जिसकी क्लास होती है। तो जावा के अंदर चाहे वो एक्सेप्शन हो चाहे वो एरर हो, दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्लासेस दी गई हैं, क्लासेस बना के दिए गए हैं। समझ में आ रहा है, सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास क्लासेस बना के दिए गए हैं, ठीक। तो अगर आप जावा के जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर जाके देखें, उसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके जाके देखें, है ना, आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन दिखा दे रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंटेशन, जावा डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेप्शन की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके देखेंगे, तो एक्सेप्शन एरर इन सबसे रिलेटेड हमारे पास क्लासेस पाई जाएंगे, है ना। तो जावा डॉट लैंग, है ना, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्स, तो रन टाइम पे आप इसका डॉक, ऑनलाइन इसका डॉक देख सकते हैं, लैंग पैकेज का डॉक। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन से रिलेटेड क्लास मिलेगी। देखिए यहाँ एक्सेप्शन क्लास है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन का पेरेंट देखिए क्या है, थ्रोएबल, ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू में। तो थ्रोएबल एक रूट टॉप मोस्ट क्लास है, और उस टॉप मोस्ट क्लास की जो सब क्लासेस हैं, देखिए डायरेक्ट सब क्लासेस, एक का नाम है एक्सेप्शन, एक का नाम है एरर। तो इन जावा एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई क्लास एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो एक्सेप्शन इज ऑल्सो क्लास, एरर इज ऑल्सो क्लास। एरर के अंदर आने वाली वो सारी क्लासेस है जिनकी कभी हैंडलिंग नहीं हो सकती, बट एक्सेप्शन के अंदर आने वाली वो क्लासेस जिनकी हैंडलिंग पॉसिबल है, ठीक है ना। एरर के अंदर आने वाली कौन सी क्लासेस हैं, सब क्लासेस। देखिए एनोटेशन फॉर्मेट एरर, एसर्सन एरर, AWT एरर, फैक्ट्री एरर, फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन एरर, लिंकेज एरर, थ्रेडेड एरर, है ना, दिख रहा है आपको। वर्चुअल मशीन एरर, वर्चुअल मशीन एरर में फर्दर कैटेगरी, ये ना सोचो कि इतने ही हैं, और बहुत सारे हैं, इंटरनल एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, अननोन एरर, मतलब एक पैरेंट क्लास, फिर चाइल्ड क्लास, फिर उसके अंदर चाइल्ड क्लासेस, ऐसे। और एक्सेप्शन की बात करोगे तो एक्सेप्शन के अंदर भी फर्दर क्लासेस हैं, जैसे है ना क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, बहुत सारे, देखो एन नंबर ऑफ क्लासेस हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इन जावा इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एक्सेप्शन एरर, वी हैविंग सो मेनी क्लासेस टू रिप्रेजेंटिंग एक्सेप्शन एंड एरर, बट द टॉप मोस्ट क्लासेस आर एरर एंड एक्सेप्शन, बट उन सबका जो टॉप मोस्ट है वो थ्रोएबल, थ्रोएबल इज अ रूट क्लास, और उसके जो सब क्लासेस हो गए एक्सेप्शन और एरर। एरर कैन नॉट बी हैंडल, बट एक्सेप्शन कैन बी हैंडल। एक्सेप्शन के अंदर आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन सबकी हैंडलिंग पॉसिबल है, और उन सबको हैंडल करने के लिए जावा के अंदर ट्राई कैच फाइनली थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड दिया गया, और ये हमारे एरर के अंदर आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए कोई कैटेगरी नहीं दी गई, बट उनको रिप्रेजेंट करा दिया गया उन ऑब्जेक्ट से, उनको कभी आप हैंडल ही नहीं कर सकते। थ्रेडेड एरर, वर्चुअल मशीन एरर, ये सब हैंडल नहीं कर सकते हो। मतलब एरर में कैटेगरी मैंने आपको बताया सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। रन टाइम का एरर वो एरर जो कि एक्सेप्शनली आया है और उसकी हैंडलिंग पॉसिबल है, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। जो रन टाइम का एरर हैंडल नहीं हो सकता वो एरर की कैटेगरीज में पहुंच जाएगा, राइट। अब इस प्रोग्राम में अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करो तो ये प्रोग्राम का रेस्ट ऑफ कोड चलाया जा सकता है, और मैं आपको चला के दिखाता हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग करके यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बस आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के स्टेटमेंट को जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं उसको आप ट्राई एंड कैच के अंदर डाल दीजिए, दैट्स इट। बस आप इसको ट्राई एंड कैच के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। अब ये ट्राई कैच की पूरी कहानी है जिसको हमें समझना पड़ेगा। ये हमने क्या कर लिया, इसको ट्राई कैच के अंदर हैंडल कर लिया, राइट। ट्राई कैच के अंदर यहाँ पे डाल के और यहाँ पे इसे प्रिंट करा दिया। अब आप ऐसा बोलोगे कि ट्राई कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग पॉसिबल है ना। लेकिन अब यहाँ पे ठीक है, इसे प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कंपाइल टाइम पे कोई एरर आ रहा है, नहीं, कोई एरर नहीं है। प्रोग्राम को रन कर लीजिए, फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया एंड सेकंड नंबर एंटर कर दिया। देखिए मैंने नंबर गलत एंटर किया था, 10 डिवाइड बाय 0। पिछले सेशन में, पिछले बार जब हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाया था तो वहाँ पे हमारे एक्सेप्शन के आने से प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो मेंटेन नहीं हो पाया, वहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया था। लेकिन इस बार देखिए प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट नहीं हुआ,
यहाँ से 10 डिवाइड बाई 0 यानी 15वें लाइन में एक्सेप्शन तो आई, प्रिंट भी हो गई और साथ में यहाँ पे नॉर्मल फ्लो का प्रोग्राम चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि जहाँ से प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई थी ना, समझ में आ रहा, जहाँ प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई थी उस पर्टिकुलर लाइन के एक्सेप्शन को हमने हैंडल करके और रेस्ट ऑफ कोड को मेंटेन कर दिया, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, बिल्कुल कॉपी पेन ले लो, एग्जांपल के थ्रू समझा दो, सर देखिए मेरे प्रोग्राम में मान लीजिए 10 लाइन है, अब 5वें लाइन में एक्सेप्शन आ गई, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के आने से जो रेस्ट ऑफ कोड है हमारा नहीं चल पाता है ना, और अगर हम चाहते हैं कैसे चल जाए तो हम वहाँ पे ट्राई कैच के थ्रू हैंडलिंग कर लेते हैं, जिससे हमारा रेस्ट ऑफ कोड मेंटेन हो जाता है और प्रोग्राम चल जाता है, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब किसी भी प्रोग्राम में रन टाइम पे आने वाले एबनॉर्मल सिचुएशन को हैंडल करके रेस्ट ऑफ कोड को मेंटेन कर देना, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। एक्सेप्शन एरर में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेप्शन कैन बी हैंडल, एरर कैन नॉट बी हैंडल। सर एरर के अंदर एक्सेप्शन एरर दोनों हमारे एक क्लासेस हैं, एक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कराए जाते हैं जावा के अंदर, और इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्लासेस दी गई हैं, एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सेप्शन नाम की क्लास, एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरर नाम की क्लास, और इन दोनों क्लासेस का जो रूट क्लास है वो है हमारा थ्रोएबल। थ्रोएबल इज अ रूट क्लास, इनकी दो साइड चाइल्ड क्लास, फिर उसकी चाइल्ड क्लासेस, इस तरह से इनकी पूरी एक हायरार्की है जिसको हम एक्सेप्शन क्लासेस की हायरार्की बोलते हैं, है ना, जिसको आप किसी मतलब कहीं पे भी किसी वेबसाइट से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्लासेस इन जावा, या यहाँ पे लिख दिया हायरार्की इन जावा, ठीक है, आप इमेज में जाओगे तो आपको हर जगह इस तरह से क्लासेस मिलेंगे, राइट, इस तरह से आपको क्लासेस मिलेंगे, कहीं से भी आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन, यहाँ पे थ्रोएबल को स्किप कर दिया, थ्रोएबल होना ज़रूरी है, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक्सेप्शन एरर, राइट, इसे हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्ट देन थ्रोएबल एंड एरर एंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के अंदर आने वाला आईओ एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर इलीगल रन टाइम, सॉरी ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना, मतलब वॉट एवर, यहाँ पे पूरी हायरार्की आपको दिख रही है, स्टैक ओवरफ्लो इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, अब यहाँ पे कहीं कहीं आप देख रहे होंगे चेक्ड, कहीं लिखा है अनचेक्ड, कहीं चेक, कहीं अनचेक्ड, समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा चेक्ड और अनचेक्ड क्या है, ये लॉजिकल कैटेगरी है। आप ऐसे अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन जावा, तो आप बोलोगे एक्सेप्शन इन जावा, सर जावा में एक्सेप्शन तो बहुत सारे होती हैं, है ना, ये सब एक्सेप्शन ही तो हैं, रन टाइम, आईओ वगैरह वगैरह, इस तरह से बहुत सारे, मतलब गिन भी नहीं सकते हैं, जितने हमारे सर में बाल है उतने सारे एक्सेप्शन क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं, और इवन हर वेंडर अपने हिसाब से बना सकता है, बट लॉजिकली एक्सेप्शन डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, चेक्ड एंड अनचेक्ड, लॉजिकली एक्सेप्शन आर टू टाइप, वन इज चेक्ड एक्सेप्शन, अदर इज अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, चेक्ड अनचेक्ड, ये लॉजिकल, लॉजिकल समझते हो बट समझने के लिए है ना, लॉजिकल मतलब जो समझना है, बट एक्चुअली जो है एक्सेप्शन इतने सारे हैं, रन टाइम, आईओ, एरे इंडेक्स, सॉकेट एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन क्लासेस हैं, तो ये जो एक्सेप्शन क्लासेस हैं अलग अलग, ये कब कब की सिचुएशन में आता है ये जानना है तो आप जान सकते हो, बट ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब कुछ क्लासेस हैं, उन क्लासेस की हायरार्की है, ये हायरार्की ऐसे समझने के लिए बनाई गई है, देखा जाएगा तो ये इंटरनली ऐसे इनहेरिटेंस हो रहा है इनके बीच में, कि ये इसको इनहेरिट कर रहा है, ये इसको इनहेरिट कर रहा है, बस कुछ नहीं है, है ना, देखो डॉग, डॉग के अंदर देखोगे ये दोनों चाइल्ड हैं, ये इसका पेरेंट है, ये इसको इनहेरिट कर रहा है, बस दैट्स इट। एक्सेप्शन में जाओगे तो ये एक्सेप्शन इनहेरिट कर रहा है थ्रोएबल को, ये आपको यहाँ पे देखने में मिल जाएगा, देखिए ये एक्सटेंड कर रहा है थ्रोएबल को, इस तरह से एक्सटेंड, तो ये जो हायरार्की है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, राइट, तो ये एक्सेप्शन रिलेटेड कहानी हो गई, अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें जानना है, अभी तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा एक्सेप्शन के बारे में और एक छोटा सा प्रोग्राम के माध्यम से समझा, यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी कोई क्वेश्चन है, हाँ जी, सारा चीज़ बता दिया हमने, इफ बट सारे क्वेश्चन है ना, मैं खुद ही क्वेश्चन पूछता हूँ, खुद ही आंसर दे देता हूँ, तो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होने वाली है आपको,